नमस्कार दोस्तों, करियर के अरेंज में स्पीकर का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस परीक्षा के बारे में, यानी हरियाणा पुलिस का पेपर के बारे में। हरियाणा से रिलेटेड हरियाणा के जीके के भी क्वेश्चन जरूर से पूछे जाएंगे आपके। हमने आज मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चनों को हमने हल किया है, यानी प्रश्न जरूर आएगा आपके इस पेपर में। पेपर अब जल्द शुरू होगा, आप कई बार कर लो तैयारी, इस बार सिलेक्शन लेना है पक्का आपको, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाली घंटी को तुरंत प्रेस कर ले, जैसे नया नोटिफिकेशन अपडेट हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है, रेवाड़ी में है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है, फिर क्यों है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, हरियाणा में गठित गो सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, मनीराम मंगला को किया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, हिसार में बनाया जा रहा है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा साहिवाल और गिर किसकी नस्लें हैं, गाय की हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन, बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सरफाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी, रंगड़ों ने की थी, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी, मीताथल भिवानी की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, चौटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, पलवल में है। अगला क्वेश्चन, में बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है, हरियाणा फ्रेश किया गया है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में 177 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, बराही सोनीपत में। अगला क्वेश्चन हमारा, फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे, इसका राइट आंसर होगा जींद, जज्जर और अम्बाला में होंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया है, गुड़गांव में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं, 5,000 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 2000 को की गई थी। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे दिख रहा है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1 अगस्त 1969 में की गई थी। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है, गनौर यानी सोनीपत में की जा रही है हरियाणा के, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की सफलता कितनी है, 805 ग्राम है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री दूध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दूध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है, 4 रुपये दिया जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन, कोटला झील किस जिले में है, मेवात में है, यानी कोटला झील मेवात में स्थित हरियाणा के। अगला क्वेश्चन दिख रहा है हमारा, सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई थी, सन 1976 में हुई थी। हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना की गई है, गग्गर नदी को, हरियाणा की जो गग्गर नदी है उसको मुक्त करने की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉबर्ट वाड्रा लैंड झील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस S.N. Dhingra जी। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, मार्च 2016 तक कितने ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है, 150 पोर्टल बनाए गए हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, 12% से अधिक नहीं होंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है, सुई यानी जिला भिवानी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम, ठीक है, देखने मिला, डॉक्टर मंगल सेन, जो रोहतक से 7 बार विधायक रहे थे,
इसी तरह अगला क्वेश्चन, प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी कहाँ खोली जा रही है, यानी घरोंडा करनाल में खोली जा रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, फरीदाबाद और पलवर के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, 80 एकड़ में स्थापित की जा रही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गाँव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी, 21 घंटे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 जनवरी 2016 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर कितना किया गया है, 1400 रुपये प्रति मासिक किया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन, देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ खोला गया, हसनपुर यानी सोनीपत में खोला गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, लिंग अनुपात में सुधार के लिए किस जिले को 400,000 रुपये का पहला पुरस्कार दिया गया है, पानीपत को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, योग गुरु बाबा रामदेव जी को बनाया है जो महेंद्र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है, 93,000 रुपये दी जाती है, 93,000। अगला क्वेश्चन हमारा, गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत स्पर्शियों को कितनी राशि दी जाएगी, 2,00,000 रुपये दी जाएगी। प्रदेश का पहला विलोड्रम कहाँ स्थापित होगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन, हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए, 2,715 शामिल हुए थे। इसी तरह अगला क्वेश्चन, हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए, 346 लोग शहीद हो गए थे आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन हमारा, 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे, बाबू मुरलीधर जी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था, पंडित नेकीराम शर्मा जी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था, चौधरी छोटू राम जी थे। इसी तरह अगला क्वेश्चन, देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है, प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन, गांधी जी हरियाणा में गिरफ्तारी कहाँ हुई थी, पलवल में हुई थी। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली है, रेवाड़ी में खुली है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ है, 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ है। इसी तरह अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हमारा, भारत सरकार ने भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया है, ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं, सैयद फैजल अली आयोग, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है, मुगला वाली यमुना नगर में, ठीक है। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, नमस्कार।